हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रोस्पॉट। और यार आज मैं आ गया हूँ लेमिंगटन रोड आप लोगों के लिए। आप लोग का इतना प्यार मिलता है, सपोर्ट मिलता है, ऊपर से ओमकार भाई अकेले वीडियो बनाते रहते हैं मुंबई में और आप लोगों के इतने क्वेश्चंस होते हैं तो उनका सारों का आंसर्स मैं फाइंड आउट करने लेमिंगटन रोड फाइनली आ गया हूँ आज। और लेमिंगटन रोड पर हम जाने वाले इन्फिनिटी गैजेट्स में। तो अमन भाई इधर के ओनर है, तो इन्फिनिटी गैजेट्स की 3 से 4 वीडियो लेके आऊँगा मैं चैनल पर। और इस वीडियो में हम स्पेशली कवर करने वाले गेमिंग लैपटॉप अपने, स्टार्टिंग विद 1650 ग्राफिक्स कार्ड और एंडिंग में 3060। तो 1650, 1660, 3060, 3050 Ti, ये सब का ग्राफिक्स कार्ड रिलेटेड हम लैपटॉप्स कवर करने वाले हैं अंदर। तो चलो अंदर मिलते हैं अमन भाई से और गेमिंग लैपटॉप डिस्कस करते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा था इन्फिनिटी गैजेट्स में आज हम वीडियो कवर करने वाले लेमिंगटन रोड पे और हमारे साथ है अमन भाई। कैसे अमन भाई आप? बस एकदम बढ़िया, कैसे? थैंक यू सो मच यार अमन भाई, एक आपने परमिशन दिया इतनी दूर से मैं आया वीडियो बनाने का और आप हमारे व्यूअर्स के लिए इतनी इन्फॉर्मेशन आज प्रोवाइड करने वाले हो। तो यार सबसे पहला क्वेश्चन अमन भाई, क्योंकि मैं भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में आया हूँ दिल्ली से, तो लॉकडाउन का कुछ सीन चल रहा है अभी? नहीं नहीं, लॉकडाउन कैसा कोई भी सीन नहीं है धीरज भाई। और कैसा है, अगर लॉकडाउन हुआ भी तो हम लोग वर्क फ्रॉम होम पे काम करेंगे। आपको अगर डिलीवरी चाहिए लैपटॉप की तो हम लोग घर से सारे काम करेंगे। अभी तो हाल फिलहाल कोई भी सीन नहीं, अभी तो पूरी मार्केट मैंने विजिट किया, पूरी मार्केट खुली है। लेकिन जैसा अमन भाई ने बताया कि अगर इनकेस ऐसा हो जाता है तो इनके सारे नंबर, जितने भी नंबर्स अवेलेबल है, सारे डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे। आप फोन पे ऑर्डर दो और आपकी डिलीवरी हो जाएगी लैपटॉप्स की। तो आज अमन भाई आप क्या दिखाने वाले हैं? मैं देख आज बहुत सारे लैपटॉप की वैरायटी है, बहुत सारी है, क्योंकि भाई बहुत दूर से आया है लिए। तो 1650 से लेकर के 3070 तक के मैंने सारे वेरिएंट्स यहाँ पे रखे हुए हैं। लाइक एचपी से लेकर के आसुस टफ आरओजी स्टिक्स तक का भी सारे एक एक वेरिएंट्स मैं कवर करूंगा इस वीडियो में। सारी ब्रांड्स मैं देख पा रहा हूँ, डेल हो गया, एचपी हो गया, लेनोवो हो गया और क्या नाम है, सारे ब्रांड्स अपने। और जैसा कि अमन भाई ने बताया 1650 बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे, उससे नीचे नहीं जा रहे हैं, पर उससे नीचे कोई लैपटॉप काम का नहीं होता। आपने उसके नीचे आता भी है लेकिन वो अभी देखे मतलब नहीं, क्योंकि जो गेम्स होते हैं वो प्रॉपर 1650 में ही स्टार्ट होते हैं। इस लैपटॉप के बारे में हमें कुछ बताइए। तो सबसे पहले जो लैपटॉप है ये भी मैं बता देता हूँ, डेल का G15 लैपटॉप है जो की लेटेस्ट चल रहा है डेल के तरफ से। इंटेल कोर i5 प्रोसेसर के साथ है, 8GB रैम है। इसमें वेरिएंट्स आते हैं 256GB SSD या 1TB हार्ड ड्राइव, आइदर 512GB SSD से। 1650 4GB कार्ड के साथ है, लुक्स काफी गेमिंग सा, डिसेंट सा और प्यारा सा लुक्स दिए हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर इस लैपटॉप की प्राइसिंग की बात करें तो लैपटॉप स्टार्ट होता है 57,000 रुपीज से। तो गाइस जैसा कि हमें भाई ने बताया, प्रॉपर गेमिंग लैपटॉप है, इसमें कूलिंग का आपको कोई इशू नहीं आने वाला, जैसे कि बंदों को एक्सटर्नल कूलिंग पैड लेना पड़ता है तो वैसा कोई प्रॉब्लम इसमें प्रॉब्लम नहीं है। इसकी बहुत ही प्रॉपर प्यारी हीटिंग दी हुई है, जो प्यारी हीटिंग है, वेंटिलेशन भी प्रॉपर है, इसका बहुत प्रॉपर है। तो 57,000 से इसकी स्टार्टिंग होने वाली है। तो जो 57,000 में उसमें स्टोरेज कितनी आने वाली है? 57,000 में आपको दोनों, मैं आपको एक चीज बताऊंगा, दोनों में आपको सेम प्राइस में करवा के दे सकता हूँ, 256GB SSD आइदर 1TB हार्ड ड्राइव आइदर 512GB SSD। अच्छा, तो दोनों ही आपको मैं सेम प्राइस में करवा के दे सकता। चलो ठीक है गाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो अगले लैपटॉप की तरफ बढ़ते हैं अमन भाई, ये कौन सा लैपटॉप है? ये जो लैपटॉप है, जो गेमर्स होंगे या फिर जो एडिटर्स होंगे उन लोगों को पता होगा, एचपी पवेलियन सीरीज जो लैपटॉप है आज के डेट में बहुत ट्रेंड कर रहा है। इसमें अलग अलग वेरिएंट्स में आया, राइजन 5 में 3rd जनरेशन भी आया है, 4th जनरेशन भी आया है, 5th जनरेशन भी आया है। ये जो डिस्प्ले में भी मेरे पास है, ये राइजन 5 का 5th जनरेशन है, 5th जनरेशन का प्रोसेसर है, 1650 कार्ड के साथ है, 144Hz स्क्रीन है, 4GB का इसमें ग्राफिक कार्ड दिए हुए हैं, इसमें 512GB SSD के साथ है। अगर इसके राइजन 5 की 3rd जनरेशन की मैं बात करूँ तो ये लैपटॉप 48,500 से स्टार्ट होता है 1650 कार्ड में। अगर आप 4th जनरेशन या 5th जनरेशन में आप जाओगे तो 56,000, 58,000, ये सारे वेरिएंट्स अलग अलग होते हैं। ये जो लैपटॉप, इस लैपटॉप की प्राइसिंग है 57,000 रुपीज विथ राइजन 5 5th जनरेशन, 144Hz स्क्रीन, 1650 कार्ड एंड 8GB रैम, तो ये आपको अवेलेबल हो जाएगा 144Hz में। बहुत ही बढ़िया डील है यार ये। ऑनलाइन अगर आप इसको देखने चलते हो ना गाइस, तो ये 65-66 के आसपास 64,000 का ऑनलाइन, हाँ इतना मिलता है देखने को। और स्पेशली मुझे ये वाला क्यों पसंद है, क्योंकि इसकी बिल्ड क्वालिटी अच्छी है, क्योंकि इसके जो हिंजेस है ना वो बीच में है पूरा सपोर्ट, ना साइड में हिंजेस नहीं है, बीच में पूरा सपोर्ट है, तो हिंज खराब होने के चांसेस काफी कम है और लुक भी काफी डिसेंट है यार इसकी गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से। एचपी में एक रूमर भी है कि बीच में हिंजेस है तो लोग बोल रहे खराब हो जाएगा जल्दी, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही स्टडी लुक रहता है। जो मेरे पास एचपी का पुराना लैपटॉप है
उसमें जो हिंज मॉडल दिया हुआ है वो साइड वाला है, वो ज्यादा चांस रहते हैं टूटने के। ये बीच में जो है पूरा सपोर्ट सिस्टम रहता है। तो अगले लैपटॉप की बात करते हैं यार अमन भाई, ये है लीजन, लेनोवो लीजन। yes, लेनोवो लीजन काफी ट्रेंडिंग है ये लैपटॉप, बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग चल रहा है। एचपी लेनोवो मतलब बोले तो मेरे पास जितने लैपटॉप अभी वो सारे ट्रेंडिंग ही रखे हुए हैं, आपको मैं अलग अलग बता रहा हूँ। ये जो लैपटॉप है ये लेनोवो लीजन का लीजन 5 लैपटॉप है, लीजन का 5 सीरीज का लैपटॉप है। ये जो प्रोसेसर आता है इंटेल कोर i7 10th जनरेशन में है, ये 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ है, 8GB रैम है, 256GB SSD प्लस 1TB हार्ड ड्राइव के साथ ये लैपटॉप आता है। बहुत ही प्यारा लुक है। लेनोवो लीजन ज्यादातर अपने वेंटिलेशन के लिए बहुत ज्यादा फेमस है क्योंकि एक स्टडी लैपटॉप है, लाइक लॉन्ग टाइम तक आप इसको यूज कर सकते हो, इसके वेंटिलेशन में कोई इशू नहीं आना है, कूल डाउन रहना है। और ये जो कॉन्फ़िगरेशन मैं आपको बताया इसका, अगर लैपटॉप में प्राइसिंग की बात करूँ तो भाई मेरे पास जो ये लैपटॉप रखे हुए हैं ये मैं आपको 68,000 में दे दूंगा, इंटेल कोर i7 10th जनरेशन 1650 कार्ड वाला। तो काफी डिसेंट प्राइसिंग है इसकी गाइस, लीजन सीरीज है। और जैसा कि भैया ने बताया ना इसकी बिल्ड क्वालिटी देखो यार आप गाइस, कि पूरा एकदम सपोर्ट सिस्टम है पीछे और वेंटिलेशन देख लो, कोई हीटिंग इशू नहीं है आने वाला आपको। आप कैसे भी सरफेस पे रख के इसको गेमिंग कर सकते हो, कैसे भी सरफेस पे, क्योंकि हम रेकमेंड करते हैं कि प्लेन सरफेस हो अगर लैपटॉप यूज कर रहे हो, लेकिन इसे मुझे लगता नहीं कोई इशू आने वाला है, इशू नहीं आएगा। और सबसे बड़ी बात ये इंटेल का i7 10th जनरेशन का प्रोसेसर है, वो भी 68,000 की प्राइसिंग में भाई चला रहा हूं, तो इतने में i5 मिल रहा है, i5 मिल रहा है 1650 के साथ। लेकिन वही है बहुत ही डिसेंट चॉइस अगर किसी को गेमिंग के लिए लैपटॉप लेना है, एडिटिंग के लिए और लॉन्ग टर्म चलाना है सबसे बड़ी बात। yes. तो बहुत अच्छी चॉइस है ये लैपटॉप। और ये सब जो लैपटॉप रहेंगे सारे बॉक्स पैक लैपटॉप आएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको लाइक रिफोर्बिश लैपटॉप दिया जाएगा, सेकंड हैंड दिया जाएगा, कोई नहीं। ये सारे बिल मिलेगा जीएसटी वाला, ये सारे अभी डिस्प्ले पीसेज है, आपको जो भी लैपटॉप मिलेगा वो बॉक्स पैक मिलेंगे, आपको ऑथोराइज बिल मिलेगा, यू कैन गेट द वारंटी थ्रू द सर्विस सेंटर। तो डोंट वरी फॉर दैट, क्योंकि मेरे पास बहुत ऐसे फोन आते हैं सर सेकंड हैंड लैपटॉप है, क्वेरी तो हर तरह की क्या कर रहे हो, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, सारे न्यू बॉक्स पैक वारंटी बाय सर्विस सेंटर 1 ईयर की ऑथराइज के साथ लैपटॉप आपको मैं प्रोवाइड कराऊंगा। बहुत ही बढ़िया। और इसके बारे में बात करते हैं रमन भाई, ये कौन सा लैपटॉप? तो ये जो है एसुस की तरफ से आसुस की ज़ेफिरस सीरीज है, ये थोड़ा से मतलब बोल सकते हैं थोड़ा ओल्ड जनरेशन का लैपटॉप है, बट ज़ेफिरस में भी लेटेस्ट सीरीज आई हुई है, मैं भी आपको दिखाऊंगा। ये जो लैपटॉप है ये राइजन 7 में 3rd जनरेशन, ये मेरे पास एक पीस ही लास्ट पड़ा हुआ है बॉक्स पैक में। तो इसकी मैं स्पेसिफिकेशन की बात करूँ तो राइजन 7 के साथ ही आता है 3rd जनरेशन में विद 16GB रैम, 16GB सब में 8 थी अभी, इसमें 16GB रैम है प्लस 1TB की SSD के साथ है ये लैपटॉप। एंड इसमें जो ग्राफिक कार्ड दिए हैं ये 1660 Ti मैक्स क्यू ग्राफिक कार्ड है, 6GB का ग्राफिक कार्ड है। और अगर मैं इसकी प्राइसिंग की बात करूं तो मैं आपको ये लैपटॉप 68,500 में करवा के दे दूंगा, राइजन 7 68,500 में 1660 Ti, बहुत ही बढ़िया यार, 1 ईयर वारंटी, बहुत सही चॉइस है। क्योंकि गाइस RTX सीरीज में इससे ऊपर का कार्ड नहीं आता, मतलब GTX में इससे ऊपर का कार्ड नहीं आता, 1660 Ti है इसके अंदर तो, और रैम भी 16 है और SSD भी 1TB है, तो नेक्स्ट लेवल है ये प्राइसिंग के हिसाब से, बहुत ही बढ़िया चॉइस है, आप देख सकते हो बहुत ही प्रॉपर एक स्लिम लुक है। हाँ। और इसका ना मतलब कि सीन ये है कि ज़ेफिरस में नया वाला भी आया, बहुत सारे मॉडल आते हैं तो ये थोड़ा सा ओल्ड है क्योंकि राइजन का पुरानी सीरीज का इसमें राइजन 7, लेकिन फिर भी ये बीट कर सकता है इंटेल के i5 i7 को अभी भी, क्योंकि इसमें रैम इसमें जस्ट डबल है, डबल है, SSD 1TB है, ग्राफिक कार्ड 4GB के जगह ना होके 6GB है, वो भी Ti वर्जन है, मैक्स क्यू सीरीज, तो बहुत ही बढ़िया 68,000 आपने इसका प्राइस बताया, बहुत ही बढ़िया प्राइस है भाई। अब आ जाते हैं दूसरे लैपटॉप की तरफ, ये कौन सा लैपटॉप है लेनोवो? ये भी लेनोवो की तरफ से ही लीजन सीरीज का लैपटॉप है, लेकिन लेटेस्ट सीरीज जो भी मैं आपको दिखाया था वो लेनोवो का लीजन 5 सीरीज का लैपटॉप था, ये लीजन 7 सीरीज का लैपटॉप है, इंटेल कोर i7 10th जनरेशन में है, इसमें 1650 ग्राफिक कार्ड के साथ भी आता है, 1660 कार्ड के साथ भी आता है, मतलब अलग अलग वेरिएंट्स में लीजन की सीरीज होती है। ये जो सीरीज है i7 10th जनरेशन में विद 8GB रैम 512GB SSD के साथ है, इसकी प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ ये आपको मैं दे दूंगा 69,500 रुपीज में, 69,500 प्रॉपर एक स्लिम पीस है, ये स्लिम लुक्स के साथ है, आप देख सकते हो, आप अपना फील बता दो आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया यार, मतलब पता है क्या, लैपटॉप बंदा अमेज़न पे भी देख लेता है, फ्लिपकार्ट पे भी देख लेता है, लेकिन हम आपके लिए इतनी मेहनत क्यों करते हैं कि भाई आप लोगों को प्रॉपर दिख जाए कि लुक्स कैसा है, वेंटिलेशन कैसा है, साइड लुक कैसा है, एक हैंड्स ऑन फील आ जाती है यार। और भाई मैं तो
कभी भी मेरे तो व्यूवर्स इतने कमेंट और मैसेज करते रहते हैं ना इंस्टाग्राम पे, मैं किसी को नहीं छोड़ता रिप्लाई के बिना। तो किसी का कोई भी डाउट होगा ना गाइस, तो जरूर मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करना है, सारे डाउट क्लियर करूंगा कोई भी डाउट होता है। बाकी भैया का नंबर तो रहेगा ही रहेगा डिस्क्रिप्शन में। इसका क्या प्राइस बताया ये? 69,000 जनरेशन लीजन 7 से। तो मतलब अभी तक आपने 70 क्रॉस नहीं किया है, 70 क्रॉस नहीं किया अभी भी, और एक से एक लैपटॉप आप दिखा चुके हो। तो चलो अब शुरू हो जाती है गाइस हमारी RTX सीरीज। GTX अपना यहीं तक था, तो अभी शुरू होती है अपनी RTX सीरीज। तो अमन भाई ये कौन सा लैपटॉप है? ये RTX सीरीज का जो लैपटॉप है ये आता है Asus के ROG सीरीज के तरफ से। ROG स्ट्रिक्स जो आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा ट्रेंड चल रहा है गेमर्स। बिल्कुल बिल्कुल, Ryzen 7 के तरफ से ये लैपटॉप है। 5th जनरेशन में भी है, 6th जनरेशन में भी, मतलब सॉरी अलग अलग जनरेशन में आपको ये लैपटॉप अवेलेबल हो जाएंगे। ये वेरियंट्स अलग अलग है। Ryzen 7 में ये RTX सीरीज है। ये जो सीरीज है ये है 2060 सुपर की सीरीज है। 2060 सुपर, इसमें भी आपको 3060, 3070 अलग अलग वेरिएंट्स में मिल जाएंगे। ये जो स्टार्टिंग सीरीज है ये आपको स्टार्ट होती है Ryzen 7 में 75,500 रुपीस में, 8GB RAM के साथ, 512GB SSD के साथ, 2060 कार्ड के साथ Ryzen 7 में। प्रॉपर 60 सुपर, 2060 सुपर ये। तो ये प्रॉपर एक RGB बैकलाइट कीबोर्ड के साथ है। ये एक देखिए चार्ज है लैपटॉप, ये डमी लैपटॉप है ये। तो इसमें पूरा RGB बैकलाइट कीबोर्ड होने वाला है गाइस, और इसमें नीचे भी पूरा साइड में भी RGB दिए हुए हैं, और काफी अच्छी काफी डिसेंट है इसकी स्क्रीन। आप देखोगे ना कितनी स्लिम है, आपको यकीन नहीं होगा, मतलब बहुत सही, बहुत अच्छी डिस्प्ले दी गई है। और ये लुक आप देख सकते हो, पूरी बहुत बढ़िया लुक आ रही है इस लैपटॉप की। और वेंटिलेशन का तो कोई कहना ही नहीं है, कोई दिक्कत आने ही नहीं वाली हीटिंग इशू को लेके, बहुत ही बढ़िया यार। तो इसका प्राइसिंग क्या बताया मन भाई आपने? ये मैं आपको 75,000 में करवा के देता हूं। 75,000 Ryzen 7 प्लस RTX 2060 सुपर, यस। और स्टोरेज भी 512 आपको SSD और 8GB RAM। Yes. और गाइस जितने भी प्राइस अमन भाई बता रहे हैं वो सारे GST इंक्लूडेड है, किसी का अगर कोई डाउट रहता है इस चीज को लेके GST लगेगा उसके बाद, नहीं वो GST इंक्लूडेड सारे जितने भी हम बता रहे हैं या बताए अभी तक। तो बहुत ही बढ़िया डील है यार ये गाइस RTX सीरीज में, अगर किसी को जाने का है प्राइस के हिसाब से बहुत अच्छी डील है। तो बढ़ते अगले लैपटॉप की तरफ अमन भाई, ये कौन सा लैपटॉप? तो अगला लैपटॉप जो है ये मैं आपको बता दूं, ये Asus के तरफ से ROG रिपब्लिक ऑफ गेमर्स, ये बहुत ही एक अलग लेवल की सीरीज है इनकी। 3060 कार्ड के साथ ये सीरीज आई है। आप देख सकते हो यहाँ पे इसका लुक जो है एक अलग से ही रेनबो कलर टाइप में एक इल्यूजन दिए हैं, जो कि ये बहुत ही प्यारा लग रहा है दिखने में। अगर मैं इसकी स्पेसिफिकेशंस की बात करूं तो ये लैपटॉप Ryzen 7 5th जनरेशन में आता है, विद 3060 कार्ड के साथ आता है, 1TB की SSD आती है एंड 8GB की RAM के साथ ये लैपटॉप आता है। तो बहुत ही अच्छा लैपटॉप है 3060 के साथ। अगर इसकी मैं प्राइसिंग की बात करूं तो भाई प्राइसिंग सबसे ज्यादा मैटर करती है अपने यहाँ। तो ये जो सारे लैपटॉप है ऑनलाइन से अगर कंपेयर करेंगे तो मैं अराउंड 10,000 का गैप रख रहा हूँ सारे लैपटॉप में। बिकॉज मतलब हम एक विंडो ले लेते हैं कि जो हमारे लो बजट सेगमेंट के हैं उनमें 5,000 तक का डिफरेंस आपको देखने को पक्का मिलेगा, और जो हाई एंड आ जाते हैं किसी में 10, किसी में 10 से भी ज्यादा का डिफरेंस देखने को मिलेगा। ये लैपटॉप आपको हर प्लेटफॉर्म पे अराउंड ₹1,00,000 के ऊपर का, 1,05,000, 1,05,000, बट मैं आपको ये लैपटॉप 91,500 में करवा के, 91,500 बिल्कुल वीडियो में बोल रहा आप, मैं 91,500 में ये लैपटॉप करवा के दे दूंगा। तो गाइस RTX 3060 Ryzen 7 8GB RAM और 512 SSD, बहुत बढ़िया डील है गाइस RTX कार्ड 3060 के हिसाब से। और ये प्राइस ROG में लिमिटेड पीस पड़ा हुआ है, बिकॉज़ ROG का Zephyrus का सीरीज का है ये गाइस। आप देखो इसकी जो है ना, ये देखो शाइन करता है ये ना, ऐसे बहुत बढ़िया लुक आती है ऐसे इसकी, और बहुत बढ़िया डील है। तो 91,500 बहुत बढ़िया डील यार अमन भाई। उसके बाद यार बात करते हैं अब अमन भाई अगले लैपटॉप की। तो ये Asus की तरफ से मैं देख रहा हूँ, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए ये कौन सा लैपटॉप है? तो ये जो लैपटॉप है ये i5 11th जनरेशन का लैपटॉप है। ये लेटेस्ट जनरेशन जो लैपटॉप आए हुए हैं, लेटेस्ट प्रोसेसर जो आए हुए हैं, ये वो लेटेस्ट लैपटॉप है। ये आता है 8GB RAM के साथ प्लस 512GB SSD आती है। ये ब्रांड आता है Asus के टफ सीरीज की तरफ से, -F15 सभी लोग जानते होंगे Asus टफ सीरीज क्या है। तो जी हाँ, ये 3050 कार्ड के साथ आता है। तो 3050 में आपको एक बार स्पेसिफिकेशन फिर से रिपीट कर देता हूँ, इंटेल कोर i5 11th जनरेशन विद 8GB RAM विद 512GB SSD एंड 3050 कार्ड। तो 3050 कार्ड के साथ आता है। अगर इसकी मैं प्राइसिंग की बात करूं तो ये लैपटॉप आपको 66,500 में हमारे यहाँ पे अलॉट करा। क्या बात कर रहे हो,
नहीं मतलब ऐसे क्यों कर रहे हो, आपको अपने 1650 वाले नहीं बेचने का? बेचने हैं, सब बेचने हैं, लेकिन ये भी लिमिटेड स्टॉक पड़े हुए हैं। तो मुझे लगता नहीं यार आपने प्राइसिंग ऐसी दे दी कि अब वो कोई क्यों लेगा, ये लेंगे सब लोग। ये भी मैं बता देता हूँ, ये मैं 66,500 में क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि ये मेरे पास लिमिटेड पीस पड़े हुए हैं, तो जो पहले आएगा उसको लैपटॉप मिलेंगे, वरना इसकी जो प्राइसिंग चल रही है वो ऑनलाइन जो प्राइसिंग चल रही है उससे थोड़ा से कम मिलेगा, लेकिन ये प्राइस में तो नहीं मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा, गारंटी है 70 प्लस इसका प्राइस बहुत इजीली है। तो एक टाइप का प्राइसिंग गिव अवे आप समझ लो, एक टाइप का प्राइसिंग गिव अवे, आप जितनी जल्दी लैपटॉप परचेस करोगे या कोई भी आप लैपटॉप परचेस करोगे तो गाइस जैसे ही वीडियो डलती है तो देख लेना, नंबर मैंने डाला हुआ है डिस्क्रिप्शन में, तो इट्स लाइक फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, तो जो बंदा पहले अप्रोच कर लेता उसको इस प्राइसिंग में 66,000, रिपीट कर रहा हूँ फिर से 66,500 500 मिस नहीं करने का, ठीक है? तो i5 11 जनरेशन, ऐसा नहीं है 10 जनरेशन, और साथ 3050 RTX मिल रहा आपको, और 512 SSD, 8GB RAM और ASUS TUF, बहुत बढ़िया यार। क्या ही चाहिए भाई, ये शायद मैं ही लेके जा रहा हूँ जाते टाइम, लेके जाओ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस प्राइस में मुझे लगता है 3050 मुझे मिल पाएगा कहीं भी मार्केट में ऑनेस्टली। तो मैं बेसिकली बता दूं, बार बार धीरज भाई पूछ रहे हैं प्राइसिंग तुम इतनी सस्ती क्यों दे रहे हो, सस्ती क्यों दे रहे हो, मतलब कैसा है, ज्यादा मार्जिन पे काम नहीं करना है। मैं 1000 रुपीज 1200 रुपीज का लैपटॉप मार्जिन रख के सेल आउट करूंगा, बट क्वांटिटी में मैं एक लैपटॉप सेल आउट करके 10,000 कमा लूंगा, मार्केट जैसे मार्केट चलती है, एक लैपटॉप पे 10,000 भी मैं पर लैपटॉप सेल आउट कर सकता हूँ मार्जिन के साथ, बट वैसा नहीं है, वैसे मैं दिन में एक लैपटॉप बेच पाऊंगा, मैं 20 लैपटॉप बेचूंगा 1000 रुपए मार्जिन रख के, बिल्कुल 20,000 मार्जिन पर डे की होगी, तो मैं क्वांटिटी में यहाँ पे काम करूंगा, इसलिए मैं प्राइसिंग का इसका कम रख रहा हूँ, मार्जिन भी कम रख रहा हूँ, ताकि कटिंग फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ आता है, इंटेल कोर i7 प्रोसेसर के साथ आता है, 11 जनरेशन जो कि लेटेस्ट है, 1660 Ti कार्ड के साथ इसमें आया है, 6GB 1TB SSD है इसके अंदर, 16GB RAM है इसके अंदर, और ये लैपटॉप प्रेस्टीज की जो मैं प्राइसिंग आपको बताऊं, ये प्रेस्टीज की प्राइसिंग आपको 85,500 के साथ मैं आपको दे दूंगा, 85,500 ये मतलब कि देखो गेमर्स के लिए भी ठीक है, एडिटर्स के लिए भी ठीक है, मैं बेसिकली रिकमेंड करूंगा ये लैपटॉप एडिटर्स के लिए या फिर कोई डिजाइन करता है, डिजाइन करता है मतलब गेमिंग के लिए स्पेसिफिकली ना लेके अपना वर्क स्पेस के लिए आप ले सकते हो, एडिटर हो, डिजाइनर हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है, क्योंकि इसकी लुक बहुत प्यारी है और स्लिम लुक है इसकी काफी ना, और बहुत प्यारी लुक आती है इसकी, बहुत प्यारी है। इसके स्क्रीन में भी ऐसा मतलब गोरिल्ला टाइप ग्लास लगा हुआ है, जिसको देख के टच स्क्रीन लैपटॉप लगता है, ये बट टच नहीं है, अट्रैक्टिव थोड़ा लुक करने के लिए इसमें उन्होंने कंपनी ने ऐसा ग्लास लगाया। इसकी प्राइसिंग क्या बताएं फिर से बताएं? ये आपको 85,500 में मैं आपको करवा के दे दूंगा, बहुत बढ़िया। और हाँ एक चीज, और प्राइसिंग सारे लैपटॉप के नेगोशिएबल है, ये इंडिया है तो आप बार्गेन कर सकते हो। हाँ यार अप्रोच करो, अप्रोच करो, आप पता करो इनमें से जो जो हमने देखा है, और इनके अलावा भी आपने कहीं और से कोई मॉडल देखा आप अप्रोच करो, वो भी मिलेगा आपको, कोई भी लैपटॉप चाहिए, हम लोग बेसिकली लैपटॉप्स में ही नहीं, हम लोग डेस्कटॉप में भी डील करते हैं, बाकी वीडियोस भी आएंगे, अभी हम लोग की बहुत सारी वीडियोस आने वाली है आगे, तो हम लोग साथ में काम करेंगे, तो आपको जो भी चाहिए लैपटॉप डेस्कटॉप लाइक व्हाटएवर से रिलेटेड कुछ भी, तो लैपटॉप में भी जितना हम दिखा रहे हैं वो तो स्टॉक है ही है, आपने अमेजोन पे कुछ देख लिया वो पसंद आ गया, एक बार कॉन्टेक्ट करो वो मिल जाएगा आपको, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। इसके बारे में बात करते हैं अमन भाई, ये कुछ अलग सा लग रहा है, बढ़िया एकदम हैवी ड्यूटी चीज लग रही है ये ऑनलाइन, ये जो लैपटॉप है ये मैं आपको बता दूं, सबसे पहली बात अभी ये जो लुक्स में ये लैपटॉप पड़ा है ये ROG Strix, आप देख सकते हो ROG Strix Asus की तरफ से, ये आपको 3060 3070 वेरिएंट में दोनों लैपटॉप आपको मिल जाएंगे, ये तो डमी पीस है, इसमें ये जो आपको i9 का 10 जनरेशन है इसमें आपको Ryzen 9 भी मिल जाएगा, समझ गया, Ryzen 9 में 3060 कार्ड भी है 3070 कार्ड भी है, और सेम इसमें इंटेल है, सेम इसमें G15 भी आता है G17 भी आता है, क्योंकि बहुत सारी आजकल कॉल सारे मेरे पास G17 लैपटॉप के लिए, तो G17 भी अवेलेबल है G15 भी अवेलेबल, तो Ryzen 9 या i9 10th में अगर हम लोग जाते हैं 3070 कार्ड के साथ तो वो मैं आपको 1,40,000 में करवा के देता हूं, 140 हो जाएगा Ryzen 9 में 1,40,000 Ryzen 9 विद 3070 कार्ड के साथ विद 16GB ऑफ रैम
एंड 1 TB ऑफ SSD 1,40,000 डाउन हो रही है, तो जो भी आपको ऑन द डे टॉप परचेज रहेगा आप मेरे को कॉल करोगे तो मैं आपको ऑन द डे टॉप गाइस इतनी श्योरिटी तो है फ्लिपकार्ट और अमेज़न से आपको कम ही प्राइस मिलेगा फॉर श्योर किसी भी मॉडल का आप कंपेयर कर लेना किसी भी मॉडल का आपको फॉर श्योर उससे कम प्राइस मिलेगा ही मिलेगा। तो ये जो है ना ये लेटेस्ट सीरीज आई हुई है फिलहाल आरओजी की, आप देख सकते हो बहुत बढ़िया नेक्स्ट लेवल बिल्ड है, डमी में है, आपको जो मिलेगा वो इससे भी लेटेस्ट सीरीज का राइजन 9 आपको मिलेगा जो ये की बहुत ही प्यारे लुक्स के साथ आता है। तो लेकिन ये बहुत इलीट सीरीज है इसलिए ये थोड़ी सी कॉस्टली है, अगर आप ऑनलाइन कंपेयर करते हैं ना सेम चीज को ये 1,20-1,15 की प्राइसिंग पे आ रही है अमेज़न पे ना फिलहाल 3060 में, 3070 में आप ऑनलाइन से कंपेयर करते हो तो 1,60,000-1,65,000 में आपको 3070 में लैपटॉप मिलेगा, मैं आपको 1,40,000 में अलॉट करूंगा। बिल्कुल अब हमारे बात कर लेते हैं यार, ये वन ऑफ माय फेवरेट है, पुरानी सीरीज है, इसमें नए नए मॉडल आ रहे हैं दिन पे दिन, लेकिन प्रेडेटर काफी पहले से चलती आ रही है, तो प्रेडेटर के बारे में बात करते हैं, इसकी थोड़ी स्पेसिफिकेशन बताओ। ये जो प्रेडेटर का लैपटॉप है ये एसर का हेलियस प्रेडेटर 300 सीरीज का लैपटॉप है, एक बहुत ही प्यारे लुक्स के साथ है, प्रेडेटर का लोगो किसको बहुत लोग इससे बहुत प्यार करते हैं लोगों से। तो ये जो लैपटॉप है ये है इंटेल का कोर i7 और i5 10th जनरेशन में आता है, 1660 Ti कार्ड के साथ ये लैपटॉप है, 16 GB ऑफ रैम है या 8 GB रैम, ये आपको ऑप्शंस देते हैं कस्टमाइज, आप बाय डिफॉल्ट कंपनी से जो आता है 8 GB 16 GB 512 256 1 TB तो अलग अलग वेरिएंट्स में। तो ये जो लैपटॉप है 1660 Ti कार्ड के साथ है, i7 प्रोसेसर के साथ आया है 10th जनरेशन, 8 GB रैम के साथ आया है, 512 GB SSD के साथ आया है, और ये लैपटॉप की जो मैं प्राइसिंग है ये आपको मैं करवा के दे दूंगा 71,000 रुपीज। तो बहुत बढ़िया यार, प्रीडेटर सीरीज मेरी मतलब पर्सनली काफी फेवरेट रही है पुराने टाइम से, बिकॉज ऑफ इट्स बिल्ड क्वालिटी, इसकी बिल्ड क्वालिटी ऐसी है कि अगर आप इसको रफ टफ यूज कर रहे हो तो कहीं नहीं जाने का इसका स्क्रीन और इसका पार्ट्स ना। तो गाइस ये थी हमारी लैपटॉप की सीरीज, और बाकी जैसा कि अमन भाई ने बोला कि यार सारे मॉडल्स अवेलेबल होते हैं, ये तो हमने खैर सारे गेमिंग लैपटॉप कवर किया है, आपको इससे नीचे एपीयू वाले अगर लैपटॉप तो चलिए मिल जाएगा अमन भाई, मिल जाएगा बेसिक्स लैपटॉप भी स्टार्ट होते हैं, मतलब 21,000 से लैपटॉप स्टार्ट होते हैं, लो बताओ वो 21,000 आपको अगर बेसिक यूज के लिए होम यूज के लिए चाहिए 21,000-25,000 अलग अलग ब्रांड्स में लैपटॉप है, तो आप विजिट कर सकते हो इधर आ सकते हो। बिल्कुल, तो अभी मैंने धीरज भाई को भी एक चीज नहीं बताया, एक चीज हम लोग के पास ये लैपटॉप पड़ा हुआ है Asus का टर्फ सीरीज का टर्फ गेमिंग सीरीज का लैपटॉप है, ये मैं एक टाइप का प्राइसिंग गिव अवे करूंगा, मतलब प्राइसिंग जो इसकी ऑनलाइन रहेगी उससे मैं 8,000-10,000 कम प्राइस में करके दूंगा, लेकिन उसके लिए आपको धीरज भाई का चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा वीडियो को। बहुत मेहनत करते हैं धीरज भाई, तो प्लीज इनका चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ये जो लैपटॉप है, इस लैपटॉप के बारे में स्पेसिफिकेशन में बता देता हूँ फिर बताता हूँ इसका क्या करते हैं। तो ये जो लैपटॉप है ये Asus का टर्फ सीरीज का लैपटॉप है, i5 10th जनरेशन का 1650 कार्ड के साथ आता है, 4 GB विथ 8 GB रैम के साथ है, 512 GB SSD के साथ है। ये लैपटॉप की वैसे बेसिकली ऑनलाइन प्राइसिंग चल रही है 58,000-57,000, ये लैपटॉप मैं आपको मुझे जो प्राइस में आया है मैं वो प्राइस से भी कम प्राइस में मैं आपको अलॉट करवा दूंगा, लेकिन ये एक लिमिटेड एक ही लैपटॉप में कर सकता हूं। तो ये लैपटॉप आपको मैं 50,800 रुपीज में मैं करवा दूंगा, तो आप जितनी जल्दी कॉल करोगे उतनी जल्दी ये लैपटॉप आपको 50,000 में Asus टफ सीरीज का लैपटॉप आपको मैं दे रहा हूँ। भाई साहब आपको समझ रहे हो आप, Asus टफ गेमिंग हमने इधर दिखाई थी, आपको मैं दिखा देता हूँ किधर गया वो, तो इस तरीके से लुक आने वाली है गाइस उस लैपटॉप, इससे भी थोड़ा अच्छा है, इससे भी लुक है, इससे भी थोड़ा अच्छा है, इससे भी थोड़ा अच्छा है वो, और 50,000 की प्राइसिंग में आपको मिल जाएगा, आप समझ रहे हो, 800 रुपीज में। केवल आपको इस चैनल को लाइक करना पड़ेगा, शेयर करना पड़ेगा और सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आपको बढ़िया ये लैपटॉप मिल जाएगा, केवल एक ही लैपटॉप, एक ही लैपटॉप है, ये ऐसा नहीं है कि 10 है, एक ही लैपटॉप है। और यार अमन भाई के साथ ना हम GPU प्राइसिंग कवर करेंगे आने वाली वीडियोस में, प्रोसेसर के प्राइसिंग कवर करने वाले हैं, और पेरिफेरल्स के अपने जो SSD होती है, रैम होती है, हार्ड ड्राइव होती है, उनके बेसिक चीजों की प्राइसिंग कवर करने वाले हैं। सारी वीडियोस देखना, कोई वीडियो मिस आउट मत करना, क्योंकि बहुत यार मतलब घूम के भी अच्छा लगा, लेमिंगटन रोड और नेचर तो बहुत ही अच्छा लगा यार, मैंने मतलब आज तक
सिर्फ ओमकार के चैनल पे, द न्यू एज होंडर आप जानते हो गए, उसके चैनल पे खाली देखा था अमन भाई को, लेविंगटन रोड को, लेकिन आज आके बहुत ही अच्छा लग रहा है यार। तो जैसा कि अमन भाई ने कहा यार, वीडियो को ना बिल्कुल लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ जो लैपटॉप लेने का सोच रहे हैं, क्या पता किसके आप 5-10-20 हजार रुपए बचवा दो, सीधी बात है। Exactly. किसी का पैसा ही बचेगा और कुछ नहीं होने का, ठीक है। और सर्विस की रही बात, जीएसटी बिल मिलता है, सब कुछ मैं आपको करवा के दे दूंगा। 1 ईयर हार्डवेयर वारंटी बाय सर्विस सेंटर, बिल्कुल। और एडिशनल मैं आपको एक सर्विस 1 ईयर की अपने तरफ से भी करवा दूंगा, क्योंकि जो लोग सर्विस सेंटर नहीं विजिट करना चाहते हैं, क्योंकि सर्विस सेंटर केवल हार्डवेयर पे वारंटी प्रोवाइड करती है, बट हम लोगों के पास अगर आप 1 साल में आते हो, कोई भी सर्विस रिलेटेड, आपको एडिशनल सॉफ्टवेयर चाहिए, आपको कोई विंडोज अपडेट कराना है, लाइक व्हाट एवर यू वॉन्ट, 1 साल तक हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सर्विस देंगे, तो उसके कोई भी चार्जेस नहीं है, आप इधर विजिट कर सकते हो। तो सॉफ्टवेयर सपोर्ट आपको मिलने रहना है 1 साल का। तो आई होप गाइस आप लोगों को ये डील सारी अच्छी लगी हो, वीडियो तो अच्छी होगी होगी, क्योंकि मैं खुद खुश हो रहा हूँ वीडियो बनाते हुए यार, इतनी अच्छी डील्स तो मैंने कभी नहीं देखी, देखो लैपटॉप्स को लेके, क्योंकि दिल्ली में नेहरू प्लेस में मैंने ना खूब ट्राई किया है लैपटॉप्स को लेके, वहां नहीं है लैपटॉप का ऐसा मार्केट अमन भाई। यहाँ पे एक्चुअली हम लोगों का जो स्टोर है, मैं ओमकार भाई को ही क्रेडिट दूंगा, तो क्योंकि ओमकार भाई ने, ओमकार भाई के यूट्यूब चैनल की वजह से बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे विजिट कर रहे हैं पर्सनली, और हम लोग का कुरियर्स भी जा रहे हैं। सबसे पहले मैं कुरियर्स पे बात कर लेता हूँ, कैसा है यहाँ, बहुत सारे मेरे पास ओमकार भाई के चैनल के सब्सक्राइबर के थ्रू हम लोग के पास कॉल आता है, कैश ऑन डिलीवरी वो लोग मांग रहे हैं, बट आप लोग प्लीज एक चीज समझो कि हम लोग कैश ऑन डिलीवरी नहीं कर सकते, बिकॉज यू आर जस्ट अ क्लाइंट जो कि एक नंबर से हमें कॉल करते हैं। ओमकार भाई का अगर आप चैनल देखते होगे तो हम लोग की एक पूरा शोरूम है, पूरा सेटअप है, हम लोग पर्टिकुलर यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो एक बार आप हम लोगों के ऊपर ट्रस्ट कर सकते हो, बट मुझे आपके ऊपर ट्रस्ट करने में टाइम लगेगा, मतलब अपनी पहली डील है, तो मैं ऐसे कैश ऑन डिलीवरी नहीं करवा सकता। बाकी यार मैं वीडियो बना रहा हूँ आके, और द न्यू एज वंडर बनाता है, तो कोई ऐसा तो डरने वाली तो कोई हिसाब किताब होता ही है देखो। लेकिन हाँ, आप किसी दूसरे तीसरे नंबर पे पैसे भेज रहे हो जो डिस्क्रिप्शन में नहीं है, फिर आप बोल रहे इन्फिनिटी गैजेट्स, तो वो चीज नहीं होगी, ऐसा होगा भी नहीं। हाँ, अगर आपको डिस्क्रिप्शन जो नंबर मिला है वो उस नंबर पे आप उसी नंबर पे कॉन्टेक्ट करो, यस एग्जैक्ट। या फिर अगर आपको मेरे, हम लोगों का डिलीवरी का कैसा सीन रहता है मैं आपको बता देता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा पेमेंट एक साथ भेज दीजिए, एटलीस्ट अगर आपको लैपटॉप लेना है टोकन मनी, थोड़ा सा टोकन मनी आप भेजिए, मैं लैपटॉप आपको मंगा लूंगा। आपके साथ वीडियो कॉल क्या होता है, इनकी पैकिंग भी खर्च होती है, आपको पता है ये बबल रैप होगा, अच्छे से सब कुछ होगा, फिर शिपिंग कोरियर वालों को जो है पैसे दिए जाते हैं वेट के हिसाब से इसके, तो वो सारा कॉस्ट यार फिर क्या अपनी जेब से देंगे, आपने नहीं एक्सेप्ट किया सीओडी में, तो सिंपल फैक्ट है। तो यही था यार वीडियो में गाइस, आई होप आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर जरूर करना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।